नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपके लिए रचना के आधार पर वाक्य भेद और वाक्य रूपांतरण वाला व्याकरणिक विषय लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद और वाक्यों का रूपांतरण। सबसे पहले हम ये जान लें कि एक वर्ण शब्द की इकाई होता है, अक्षर शब्द की इकाई होता है, शब्द जो है वो वाक्य की इकाई होता है और वाक्यों से अनुच्छेद बनते हैं, अनुच्छेदों से अध्याय बनते हैं, अध्यायों से ग्रंथ बनता है और इस तरह पूरी जिस भाषा को हम बोलते हैं, जिस भाषा में हम लिखते हैं, जिस भाषा का हम व्यवहार करते हैं उसकी इकाई अंततः एक शब्द के रूप में हमारे सामने आती है और यही वाक्य ही भाषा की प्रधान इकाई है। जो भाषा हम बोलते हैं जब तक उसमें एक परिपूर्ण वाक्य हम नहीं बोलेंगे तब तक भाषा अपने आप में एक पूरा स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकती। अब हम जानते हैं वाक्य की परिभाषा। एक निश्चित क्रम में पदों का व्यवस्थित और सार्थक रूप ही वाक्य कहलाता है। यानी इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि जो पद हैं, पद यानी शब्द, वो उस वाक्य में व्यवस्थित रूप से उनका प्रयोग किया जाए। पहले क्या कौन सा शब्द रखना है, बाद में कौन सा रखना है, ये इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और दूसरा है कि उनका सार्थक रूप हो, जो शब्द हम भाषा में प्रयोग कर रहे हैं उनसे अर्थ निकलना चाहिए। वाक्य एक पद वाला भी हो सकता है और अनेक पद वाले वाक्य भी हो सकते हैं। एक पद यानी ऐसा वाक्य जो एक ही शब्द में पूर्ण हो जाता हो, जैसे हम कहते हैं धन्यवाद, आभार, जी हाँ, नहीं, अच्छा, तो ये एक शब्द वाले परिपूर्ण वाक्य हैं क्योंकि इनसे अर्थ पूरा निकलता है। अनेक पदों वाले वाक्य भी हो सकते हैं, जैसे हम कहें ठीक है, इसमें दो पद आ गए, वाह क्या बात है, चार पद हो गए, आज पानी बरसेगा, इसमें तीन पद हैं। तो इस तरह वाक्य एक पद से लेकर अनेक पदों वाले हो सकते हैं। अब हम जानते हैं वाक्यों की विशेषताएं। तो पहला है, वाक्य किसी विचार, भाव और मंतव्य को पूरी तरह से व्यक्त करता है। एक वाक्य तभी अपने आप में परिपूर्ण वाक्य माना जाएगा जब वह एक विचार को, एक भाव को और एक मंतव्य को, मंतव्य यानी उसके अंदर जो कहने की जो संदेश है, जो उसका भाव है, जो उसका मैसेज है, वो वाक्य पूरा कर रहा हो, ये जरूरी है। दूसरा है, वाक्य अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य जो है, एक वाक्य अपने आप में पूरा होता है, अधूरा होगा तो वह वाक्य ही नहीं होगा और वह स्वतंत्र होता है, वह दूसरे वाक्य के साथ उसका जुड़ाव तो होता है लेकिन संबंध नहीं होता, अर्थात वह उस पर निर्भर नहीं करता, वह अपनी परिपूर्णता और स्वतंत्रता बनाए रखता है। तीसरा है, वाक्य पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। जो वाक्य है वो एक परिपूर्ण अर्थ बताता है, आधा अधूरा अर्थ नहीं बताता। अब हम आते हैं वाक्य के गुणों के बारे में कि वाक्य के गुण क्या होते हैं। तो पहला है कि वाक्य में जो भी पद लिए जा रहे हों वो अर्थपूर्ण हों। दूसरा, सभी पद यानी कि शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार ही प्रयोग में लाए गए हों, अर्थात कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि को जिस तरह से एक वाक्य में हम व्यवस्थित करते हैं, जो पहले कहा जाना है उसे पहले कहते हैं, जो बाद में कहा जाना है वो शब्द बाद में आता है, ये भी वाक्य का गुण होता है कि वो व्यवस्थित रूप में होता है। इसके अलावा जो वाक्य की विशेषताएं पहले बताई जा चुकी हैं
वो भी गुणों में शामिल की जा सकती है। अब हम उदाहरण देखते हैं अर्थपूर्ण वाक्य का। अर्थपूर्ण पद वाला एक वाक्य हम यहां आपको बताएंगे। अब आपको आराम करना चाहिए, ये इसमें व्यवस्थित है और अर्थपूर्ण है। जो कहा जा रहा है वो समझा भी जा रहा है। और अगर हम इसी को अर्थहीन बना दें, निरर्थक तरीके से बोलें, तो कहेंगे अब आपको चाहिए करना, तो ये बात पूरी नहीं कह रहा है। आपके मन में सवाल पैदा होगा कि क्या करना चाहिए, तब फिर से एक उत्तर आएगा आराम करना चाहिए। यानी हमने एक वाक्य में जो बात कहनी थी उसके लिए दो या तीन बार अधूरे अधूरे वाक्यों का प्रयोग किया और इस तरह हमारी भाषा जो है वो अशुद्ध भाषा है, परिपूर्ण भाषा नहीं है। फिर व्याकरण के नियमों से युक्त होना चाहिए वाक्य। इसका एक उदाहरण देखिए, आज तो धूप निकली है, ये जो है व्याकरण के नियमों से पहले क्या कहना बाद में क्या कहना, ये उस तरह से कहा गया वाक्य है। पर अगर हम इसको व्याकरण के नियमों की अवहेलना करके बोलें, निकली है आज तो धूप, अब ये कविता में तो संभवतः इस तरह के वाक्य आते हैं क्योंकि उसमें हमको प्रवाह, लय और तुक मिलाना पड़ती है, लेकिन जब हम उसको बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से यह शुद्ध नहीं कहा जा सकता। फिर अपने में पूर्ण और स्वतंत्र वाक्य, इसका एक उदाहरण देखिए, तुम प्रतिभाशाली हो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करो। ये जो है अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र वाक्य है जो अपनी बात पूरी कर रहा है। पर अगर हम एक अपूर्ण और गैर स्वतंत्र वाक्य में इसी बात को कहें तो क्या कहेंगे, तुम प्रतिभाशाली हो तो तुम्हें उसकी तैयारी करना चाहिए। फिर आगे सवाल, किसकी तैयारी करना चाहिए, तो उत्तर होगा प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो इस तरह से ये अपूर्ण हो गया, स्वतंत्र भी नहीं रहा, क्योंकि इसके लिए एक और अधूरे वाक्य की आवश्यकता पड़ी। अब हम देखते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं अगर हमें ये जानना हो तो मैं आपको बता रहा हूं, वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं और वही कर्ता भी कहलाता है। वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा हो और इस कर्ता या उद्देश्य के लिए यदि विशेषणों का उपयोग किया गया हो तो वह भी उद्देश्य के अंतर्गत ही आएंगे। विशेषण अगर लगाएंगे तो वो अलग से उनका कोई संज्ञा उन्हें नहीं दी जाएगी, कोई नाम नहीं दिया जाएगा, वो उद्देश्य ही कहलाएंगे। अब विधेय क्या है, विधेय है उद्देश्य अथवा कर्ता के बारे में जो कहा जा रहा है वो विधेय है। जिसके बारे में कहा जा रहा है वो कर्ता, उसके बारे में जो कहा जा रहा है विधेय। उत्तर इसके उदाहरण देखिए, कुछ लोग सड़क पर झगड़ रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग ये कर्ता हो गए, सड़क पर झगड़ रहे हैं ये विधेय हो गया, क्योंकि वो लोग कर्ता हैं और कर क्या रहे हैं झगड़ा, तो बाकी का जो वाक्य है वो विधेय हो गया और जो वैसा काम कर रहे हैं वो कर्ता हो गए। मेरे पिता अभी तक एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, मेरे पिता कर्ता और बाकी की पंक्ति विधेय। स्त्रियां बहुत श्रम करती हैं, स्त्रियां कर्ता हैं इसलिए कर्ता में आएंगी, उद्देश्य में आएंगी, और बाकी का जो वाक्य बचा वो विधेय होगा। कल का अखबार आज डाक से आया, कल का अखबार ये जो है कल, इसमें विशेषण लगा है इसलिए ये उद्देश्य में ही शामिल रहेगा
और आज डाक से आया विधेय हो जाएगा। तो इस तरह जो है उद्देश्य और कर्ता और विधेय को अगर जानने का हम एक सरल तरीका भी है, और सरल तरीका यह है कि जो वाक्य हमारे सामने आया है अगर हम उसको प्रश्नात्मक वाक्य में बदल दें तो हमको कर्ता का पता चल जाएगा, और जब कर्ता का पता चल गया तो बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है वो विधेय हो जाएगा। जैसे अभी हमने पहला वाक्य इसमें देखा था कि कुछ लोग सड़क पर झगड़ रहे हैं, इसको सवाल बना दीजिए, सड़क पर कौन झगड़ रहे हैं? तो इसी वाक्य से उत्तर आएगा कुछ लोग, कुछ लोग कर्ता हो गया और बाकी का शेष हिस्सा वाक्य का विधेय हो गया। फिर मेरे पिता क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, इसको ऐसा बोलेंगे कि अभी तक उपन्यास कौन पढ़ रहा है? उत्तर आएगा मेरे पिता, ये कर्ता हो गया बाकी का विधेय हो गया। कौन बहुत श्रम करती हैं? स्त्रियां, स्त्रियां कर्ता हो गया। तो प्रश्न बना करके भी हम कर्ता और विधेय का पता कर सकते हैं। अब चलिए रचना के आधार पर वाक्य भेद जान लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। आप पहले ये जान लें कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है वे सरल वाक्य होते हैं। सामान्यतः सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय भी होता है। हाँ, कर्ता कभी कभी एक से ज्यादा हो सकते हैं। मूल बात है कि एक ही क्रिया होती है, यानी जो किया जा रहा हो, जो कर्म किया जा रहा है वो एक ही होगा। उदाहरण के लिए रेल खड़ी है, खड़ी क्रिया हो गया, एक ही क्रिया है। दूसरा है शाम को गेंद दो, दो क्रिया है क्योंकि गेंद दी जानी है, देना क्रिया है। मीता और प्रीता गा रही हैं, अब देखिए यहां कर्ता दो हो गए तो दो हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही होगी, गा रही हैं, दोनों एक ही काम कर रही हैं गाने का। श्यामा रोती है, रोना क्रिया। भाई ने रमेश को फोन किया, अब यहां पर जो है फोन करना जो है वो क्रिया है। तो इस तरह ये हम सरल वाक्य किसे कहते हैं वो उसका उदाहरण अभी हम बता रहे थे। अब हम कर्म और उनके पूरक भी हो सकते हैं, कर्म का पूरक भी होता है, जो कर्म हो रहा है कुछ वाक्यों में उसका पूरक शब्द भी प्रयोग में आते हैं। सरल वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म और उनके पूरक भी आ सकते हैं, जैसे पहला प्रियंवदा ने गाया। अब प्रियंवदा कर्ता है और गायक क्रिया है, यहां कोई पूरक नहीं है, कर्ता है और क्रिया है। दूसरा वाक्य देखें, प्रियंवदा गा रही है। अब प्रियंवदा कर्ता है, गा रही क्रिया है और गा रही है यानी गाना चल रहा है, तो ये विस्तार है, क्रिया का विस्तार है। तो तीन बातें हैं इसमें, कर्ता, क्रिया, क्रिया का विस्तार। तीसरा देखिए, मुंबई की प्रियंवदा गा रही है। अब प्रियंवदा यानी जो कर्ता है उसका भी एक विस्तार है कि वो मुंबई की है, तो विस्तार, कर्ता, क्रिया और क्रिया का विस्तार, इसमें चार बातें आ गई। फिर प्रियंवदा ने गीत गाया, अब इसमें प्रियंवदा कर्ता है, गीत कर्म है और गाना क्रिया है, तो कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और वाक्य देखते हैं, प्रियंवदा ने सखियों को गीत सुनाया, अब इसमें कर्ता है प्रियंवदा, कर्म है गाना और फिर कर्म है सुनाना और क्रिया है गीत को गाना।
तो इस तरह से इसमें कर्म है, कर्ता है और उसके पूरक भी है। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है ये जानेंगे। परिभाषा है, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को योजक के द्वारा जोड़ा जाता है वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यहां योजक शब्द महत्वपूर्ण है। योजक किसे कहते हैं? योजक यानी जोड़ने वाला, जैसे और, या, कि, इसलिए, क्योंकि, परंतु, किंतु, तब, ये सारे योजक शब्द हैं जो दो सरल वाक्यों को जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। उदाहरण देखिए, पहला, माली आया और फूल तोड़ने लगा। इसमें दो सरल वाक्य हैं, माली आया, वह फूल तोड़ने लगा, लेकिन जब दोनों को मिला के एक कहा गया तो वह हटा करके और लगा दिया, योजक लग गया। अब दो संयुक्त, दो सरल वाक्य मिल गए, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो गया। फिर दूसरा है, स्टेशन पहुंचे ही थे कि गाड़ी छूट गई। अब इसमें कि योजक का प्रयोग हुआ है। दो सरल वाक्य हैं, हम स्टेशन पहुंचे, स्टेशन से गाड़ी छूट गई, लेकिन इन दोनों को मिला दिया कि लगाकर तो संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा है, मैं स्कूल गया और भाई बाजार गया। दो सरल वाक्य हैं, मैं स्कूल गया, मेरा भाई बाजार गया, लेकिन दोनों को जोड़ दिया है कि योजक से और लगा दिया तो संयुक्त वाक्य बन गया। तो इस तरह रमा ने खाना खाया तथा मीना ने उपवास रखा, तुम जा रहे हो या मैं जाऊं, उत्तम विचारों पर लिखो अथवा लिखना छोड़ दो, मेहमान आने वाले थे परंतु नहीं आए, उसे पढ़ना था इसलिए वह चली गई, मैंने कड़ी मेहनत की परिणामतः चुन लिया गया। परिणामतः योजक है। खा लो अन्यथा रात में नींद नहीं आएगी, अन्यथा लगा दिया तो ये भी संयुक्त वाक्य हो गया। तो ये इस तरह संयुक्त वाक्य बनते हैं। अब संयुक्त वाक्य की विशेषताएं क्या होती हैं उसको भी जान लेते हैं। पहला है, योजक के द्वारा जोड़े होने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। अभी मैंने बताया था आपको कि संयुक्त वाक्य में दो सरल वाक्य हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, बीच में योजक, तो वो संयुक्त वाक्य हैं, परंतु वो उसके अंदर जो सरल वाक्य हैं वो अपने आप में स्वतंत्र भी हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। दूसरा है, मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे वाक्य पर आश्रित नहीं रहते। जो भी इसका मुख्य उपवाक्य होता है वो अपने अर्थ की अभिव्यक्ति करने के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं होता, वो खुद ही अपना अर्थ बता देता है, उसको किसी और वाक्य की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, उपवाक्य होते हुए भी वे पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, हैं उपवाक्य मगर अर्थ पूर्ण है। चौथा है, संयुक्त वाक्य में उपवाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। अब ये क्या चीज है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ये हैं और, एवं, वा, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, या, कि, ये सब जो है वो समुच्चय बोधक। और अब हम जानते हैं कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तीसरा, सरल वाक्य हो गया, संयुक्त हो गया, अब आ गए मिश्र वाक्य पर। पहले परिभाषा, जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य के साथ एक या दो उपवाक्य आश्रित हों तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। पहला तो प्रधान उपवाक्य हो और फिर उसके ऊपर आश्रित रहने वाले एक अथवा एक से ज्यादा उपवाक्य हो सकते हैं।
उदाहरण, हम सब चाहते हैं कि देश का विकास हो। अब इसमें हम सब चाहते हैं ये प्रधान उपवाक्य है, और देश का विकास हो ये आश्रित उपवाक्य है। इस बात को ठीक तरीके से आगे अर्थबोध कराने के लिए ये आश्रित उपवाक्य जोड़ा गया है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने बताया कि देश में लॉकडाउन रहेगा, तो प्रधानमंत्री जी ने बताया ये उपवाक्य हो गया, और देश में लॉकडाउन रहेगा उसका आश्रित उपवाक्य। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया जो अफवाह फैला रहा था, पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया ये प्रधान उपवाक्य है, और जो अफवाह फैला रहा था वह आश्रित उपवाक्य है। अब जानते हैं मिश्र वाक्य की विशेषताएं। पहला, स्वतंत्र वाक्य को प्रधान वाक्य तथा शेष उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। दूसरा है, इन्हें जोड़ने का काम व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं, जैसे वही की, जब, जिस, जिन, जहां, जो इत्यादि। मिश्र और संयुक्त वाक्यों का रूपांतरण, अब हम वाक्यों के भेद जान चुके हैं, अब रूपांतरण कर रहे हैं। तो सबसे पहले सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। उदाहरण, सरल वाक्य है, वह पढ़ने के लिए स्कूल गया। अब इसको संयुक्त वाक्य बनाना है तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, उसे पढ़ना था इसलिए वह स्कूल गया, इसलिए योजक हो गया, तो इधर का उपवाक्य और उधर का उपवाक्य जुड़ गए। परिश्रम ही सफलता देता है, अब इसका संयुक्त वाक्य होगा, परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। तीसरा है, अब सब लोग आकर प्रसाद पाएं, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, अब सब लोग यहां आएं और प्रसाद पाएं। तो ये इस तरह से सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला जाता है। अब हम सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलते हैं। पहला है, धनी व्यक्ति प्रत्येक वस्तु खरीद सकता है। इसका मिश्र वाक्य कैसे बनेगा? जो व्यक्ति धनी है वह प्रत्येक वस्तु खरीद सकता है। दूसरा है, लेखक परसाई जी हमारे घर आए थे। मिश्र वाक्य होगा, परसाई जी जो कि एक लेखक हैं, वे हमारे घर आए थे। तीसरा है, 7 बजे बिजली चली जाती है। इसका मिश्र वाक्य है, 7 बजते ही बिजली चली जाती है। अब हम मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाते हैं, उल्टा करते हैं। मिश्र वाक्य है, जो व्यक्ति भला होता है उसका सब सम्मान करते हैं। इसका सरल वाक्य होगा, भले व्यक्ति का सभी लोग सम्मान करते हैं। दूसरा, जब वह सभा भवन में पहुंचा तो कार्यक्रम आरंभ हो चुका था। उत्तर है, उसके सभा भवन पहुंचते ही कार्यक्रम आरंभ हो गया था। तीसरा है, बादल छाएंगे तो बरसात होगी, बादल आने पर बरसात होगी। अब हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाते हैं। संयुक्त वाक्य है, सूरज निकला और पक्षी चहकने लगे। उत्तर होगा, सूरज के निकलते ही पक्षी चहकने लगे। दूसरा है, वर्षा हुई और नालों में बाढ़ आ गई, वर्षा होते ही नालों में बाढ़ आ गई। तीसरा है, जो मेहनत करता है उसे निराश नहीं होना पड़ता। इसका सरल वाक्य होगा, मेहनती को निराश नहीं होना पड़ता। और अब बनाएंगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। तो संयुक्त वाक्य है, नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। इसका सरल वाक्य होगा, नेहरू जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दूसरा, पाला पड़ा
और खेती बर्बाद हो गई। इसका सरल वाक्य है, पाला पड़ते ही खेती बर्बाद हो गई। और तीसरा है, बुखार उतर गया और अब अच्छा लग रहा है। सरल वाक्य होगा, बुखार उतर जाने पर अच्छा लग रहा है। तो यह था हमारा आज का एपिसोड, वाक्य, वाक्यों के रचना के आधार पर भेद और वाक्यों का रूपांतरण। आपसे हमारा अनुरोध है, कृपया से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।